हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ट्रैवल जुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद आपसे हम रूबरू हो रहा हूँ। कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं बीच में व्लॉग नहीं बना सका, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी दोबारा से। तो प्लीज़, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज एक नई जगह और नई शहर से शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। सो गाइस, फाइनली यार बाइक में आ चुका हूँ और अपनी सीट पर मैं बैठ गया हूँ। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें, धन्यवाद। फॉग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बादलों में से निकलता हुआ आ रहा है। फुल चिल्ड हो रही है भाई। चेक योर सीट सो दैट दोस बिहाइंड यू कैन प्रोसीड। वही मैं कह रही थी, प्लीज लेट अ कैबिन क्रू नो इफ यू नीड एनी असिस्टेंस। थैंक यू। फाइनली मैं मुंबई एयरपोर्ट आ चुका हूँ T2, और जस्ट अभी अभी फ्लाइट से बाहर निकला हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी आप, डायरेक्ट फ्लाइट से मैं निकला हूँ। मेरे पीछे एयर इंडिया की फ्लाइट खड़ी है और हम बाहर निकल रहे हैं। ये मुंबई एयरपोर्ट पर निकल जा रहा। फाइनली एयरपोर्ट से बाहर आ गया। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऑटो मिल जाएंगे लाइन लगे थे, आप जिस पर जी ऑटो में बैठ जाइए और जहाँ आपने जाना है वहाँ बोल दीजिए, ऑटो चलते हैं। अब ये मैं बाहर आ चुका हूँ और बाहर निकल गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिज चैनल ही इज़ ईटिंग पाव भाजी। आई एम प्रियांशी फॉर द होस्ट ऑफ टुडे। हम लोग अभी खा रहे हैं डोसा और पाव भाजी। फ्रेंड्स, ये जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल की एंट्री है। जैसा कि आपको मालूम है कि एप्पल का जो फर्स्ट स्टोर मुंबई के अंदर, ये जियो मॉल में खुला है। इस समय मैं मुंबई के मॉल जियो में हूँ, जहाँ पे इंडिया का एप्पल का फर्स्ट रिटेल स्टोर खुला है। तो आपको मुंबई के जियो मॉल में, जो बांद्रा कोर्ट फैमिली कोर्ट के पास स्थित है, आपको कुछ तरीके का व्यू कराता हूँ। तो अगर आप इस मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो, बस आपको मैं दिखाता हूँ मुंबई का जियो मॉल। लेट्स बिगिन। भाई तकरीबन यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम हैं। ये इधर जैसे रिले हो गया, मैक हो गया, ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। आजकल मॉल तो जैसे हर जगह तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, तो अब जब हम मुंबई आए हैं तो क्यों ना इस मॉल से ही शुरुआत की जाए, कैप्चर करते हैं। बड़े बड़े तकरीबन आपको यहाँ बड़े बड़े शोरूम्स के आउटलेट आपको मिल जाएंगे और अट्रैक्टिव भी है, काफ़ी सुंदर है। देखो ब्यूटीफुल कुछ नज़ारे। अभी सुबह के तकरीबन 10:30 हुए हैं, मॉल अभी खुला है थोड़ी देर पहले, तो इसलिए इसमें यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है। ये अंडर आर्मर, मतलब कहने का मतलब है कि आपको जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं वो आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाले हैं। तो मुंबई जो आते हैं, जो ब्रांड के एक ही जगह से शौकीन हैं परचेज़ करने के लिए, तो इनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
तो कुछ बेहतरीन नज़ारा मुंबई के जियो माल का मेरे कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं। ये कैफ़े है, नाम के प्रश्न पता नहीं, काऊ काऊ कुछ इस तरीके से नाम है, बाय ओब्राय की तरफ से। ये माइकल कोरस का आउटलेट है। ये कुछ लकड़ी का कैमरा बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। ड्रीम बॉक्स प्रोजेक्ट सुदर्शन शेट्टी 2017। अच्छा, ये भाई ये सुदर्शन शेट्टी का 2017 का कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्टर है ये जो यूज़ हो चुका है। ये इसका ये ओरिजिनल है, ये जो थिएटर में मूवी दिखाने वाला है वो है, और ये इसका लकड़ी में है। इसी तरीके का यहाँ पर भी कुछ होगा। ये भाई जनाब ये डीजल का शोरूम, बहुत गुड। ये भी प्रोजेक्टर है, वो 1917 का प्रोजेक्टर था, ये भी काफ़ी पुराना है। ये भी कुछ कैमरे से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, लिखा हुआ है नहीं। ये भी काफ़ी पुराना है, सुंदर भाई गजब। आप देख सकते हैं कि जो थिएटरों में मूवी चलती थी, ये ऊपर जो गोल बक्सा दिख रहा है इसमें रील लगती है और ये पर्दे पे आता है। ये ड्रीम बॉक्स पर सुदर्शन शेट्टी 2017। सो गाइस, कैमरे मेरा बंद करा दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आपका आप सिर्फ मोबाइल से शूट कर सकते हैं और कैमरे से नहीं। अगर आपके पास किसी टाइप का छोटा या कैमरा है तो आप उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन्होंने बोला सिक्योरिटी पर्पस आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मोबाइल से शूट कर सकते हैं। तो मोबाइल से अगर हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या मोबाइल में सिक्योरिटी पर्पस नहीं आता? तो मुझे ये कुछ बात हजम नहीं हुई कि आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हो और अपना छोटे कैमरे से अपने व्लॉगिंग के अकॉर्डिंग आप कैमरे से, जैसे DJI का मेरे पास कैमरा है, आप उससे नहीं कर सकते और अदर किसी कैमरे से नहीं कर सकते। तो फिर भाई इसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना? अब ये गाइस, अब इस समय मैं आ चुका हूँ, ये आपका जो मुंबई में फर्स्ट आउटलेट खुला है इंडिया के अंदर एप्पल का, तो आप देख सकते हैं ये एप्पल का स्टोर है, ये एप्पल का लोगो है ना, वो अरमानी का भी आउटलेट है, गुड, बड़ा बड़ा स्टोर है ये एप्पल। अब देखते हैं यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करने देता है नहीं। अब हमने ऑटो ले लिया, तो आपको चलते हुए कुछ रास्तों का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से राइट जाते हैं तो ये सामने फैमिली कोर्ट है, आई गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ट्रैवल जिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस समय मैं मुंबई के सेंट रिजेस होटल में हूँ, तो आज मेरी प्यारी भांजी जिसके लिए मैं मुंबई आया हूँ, आज इसका बर्थडे है, तो आज इसको मैंने पार्टी देने के लिए मुंबई के मैं सेंट रिजेस होटल में हूँ, तो सोचा लगे हाथ आपको भी मेरे साथ मेरी भांजी के बर्थडे में मैं आपको इनवाइट करता हूँ। तो प्लीज़ जब भी आप मुंबई आएँ तो काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस हैं, तो इसमें ज़रूर एक बार डिनर कीजिए। तो आप मैं थोड़ा सा आपको अपने कैमरे के थ्रू आपको इस होटल का व्यू बताता हूँ, तो चलिए हमारे साथ आप भी इस होटल का थोड़ा सा व्यू लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर होटल है। आज हमारा डिनर, हम ये 7 है, इसके अंदर हमारा टेबल रिजर्वेशन मैंने किया हुआ है। पहले मैं आपको थोड़ा सा आउटर लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अंदर का किचन एरिया
सीटिंग अरेंजमेंट सारा आपको दिखाता हूँ। और मैंने बुफे लिया है और बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर होटल है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको टूर दिखाता हूँ। ये बार है द साहिब रूम, ब्यूटीफुल। किचन्स फ्रेंड्स जो आज मैंने बुक किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे केक कटिंग करेंगे। ये आपके लाइव किचन है, ये स्ट्रीट फूड्स हैं, कचौरी चाट्स की आइटम्स हैं सारी। तो आप यहाँ पे आके अपना ऑर्डर दे सकते हैं, आपको टेबल पे सर्विस हो जाएगी। और ये आपके डेजर्ट्स आइटम है स्वीट्स में। ये सब आपका फिश आइटम है, सुशी वगैरह हो गई आपकी, ये सब आपके सलामी हो गई, मिलानो, ये स्मोक चिकन वगैरह, ये सॉसेसेस हैं, ये आपके सैलेड्स आ गए, सैलेड काउंटर है। और अपना ये बूफे लगा हुआ है, ये नॉनवेज काउंटर है सारा। और ये थाई है, ये डिमसिम काउंटर है आपका, ये सारा नॉनवेज आ गया। ये आपका टोफू है, चीज़ है, ये फिश है, नॉनवेज हो गया, और ये आपका सारा सूप कॉर्नर है। और ये अपना पैन केक, आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर, ये सारा आपका डेजर्ट्स में आ गया, ये भी ब्यूटीफुल। और ये हमारी टेबल्स है जो हमने बुकिंग की हुई है। और यहाँ का जो बफे का चार्जेस है 2000 समथिंग कुछ प्लस टैक्सेस है। जो स्टेशंस हैं, ये पेरी पेरी पटाटो वगैरह, ये सारी आइटम्स हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं। चूज ये पिज़्ज़ा, आपका पिज़्ज़ा पास्ता स्पैगेटी काउंटर है, लाइव ऑर्डर देखिए, आप अपनी टेबल पे बुला सकते हैं। और ये हमारी टेबल है जो हमने रिजर्व की हुई है, और ब्यूटीफुल व्यू है। Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे प्रियांशी नाम है। हैप्पी बर्थडे प्रियांशी।